हरियाणा कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता से हमारे संवाददाता नितिन दीवान ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस छोड़ने के बाद कुमारी शैलजा ने सवाल उठाए उनकी मुलाकात को लेकर के। वहीं इस पूरे मामले पर कन्फ्यूजन की स्थिति है हरियाणा में कांग्रेस की, जब से नेता प्रतिपक्ष की मुलाकात हुई है। मेरे साथ हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, ये पूरी प्रकरण को आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, हमारी कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे प्रिय नेता श्री राहुल गांधी जी विदेश में गए हुए हैं। उनके जाने के बाद ये गुलाम नबी आज़ाद जी ने जो इस्तीफ़ा दिया है वो 26 तारीख को दिया है, और उन्होंने जो टिप्पणियाँ राहुल जी पे की हैं उससे हम आहत हैं। हजारों कार्यकर्ता हरियाणा के भी आहत हैं। ये जो रैली होने वाली है संडे को कांग्रेस की रामलीला मैदान में, उसको लेकर के क्या आपको पूरा इनविटेशन आ चुका है या किस तरह की तैयारी है? नहीं, हम तो खुद ही काम में लगे हुए हैं। सारे कांग्रेस के साथी, चारों कार्यकारी अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, सभी नेता हरियाणा के, रणदीप सुरजेवाला जी, किरण चौधरी जी, कैप्टन अजय जी, कुमारी शैलजा जी। कितने लोग लेके आ रहे हैं हरियाणा से? मैं ये समझता हूँ, मतलब हमारी संख्या बहुत बड़ी, मतलब ग्राउंड में जो संख्या होगी उसमें आधे से ज़्यादा हमारे ही लोग होंगे। तो बिल्कुल, ये थे मेरे साथ कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस के हरियाणा के सुरेश गुप्ता, जिनका कहना है कि जो जिस तरह से जो मुलाकात हुई है, 3 दिन पहले भी हुई है, और इस बात का आलाकमान को संज्ञान लेना चाहिए, इसके बारे में बात करनी चाहिए। दिल्ली से कैमरामैन आदित्य के साथ नितिन धीमान, MH1 न्यूज़।